हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हाथ की आर्ट में स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे राउंड बैग बनाना। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने ये 3.5 नंबर का क्रोशिया लिया है और ये कॉटन का धागा लिया है। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। धागे को इस तरह से उंगलियों में लपेटते हुए, ये देखिए, अब यहाँ से हम चैन को क्रोशिया को यहाँ से डालेंगे और धागे को इस तरह खींचते हुए हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे। 1, 2, 3। 3 चैन के बाद हम इन 2 उंगलियों को इस तरह रिंग में डालेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस रिंग में हम टोटल 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो हमने 3 चैन ली थी इनको हम 1 डबल क्रोशिया गिनेंगे, तो टोटल 14 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे इस पूरी रिंग को। ये देखिए, मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे टोटल 14 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम इस धागे को पकड़कर इस तरह से खींचेंगे, इसको हम जितना टाइट खींच सकते हैं उतना टाइट खींचेंगे। अब हम जो शुरू में हमने 3 चैन ली थी, इन 3 चैन को 1, 2, 3, अभी चौथी वाली चैन में यहाँ पे हम इसको इस तरह से बुनेंगे। इस धागे को हम क्रोशे पे इस तरह रखते हुए, देखिए, हम इसको अंदर छुपाते हुए बुनाई करेंगे। ये देखिए, इस तरह स्लिप स्टिच से इसको बुन देंगे। अब हम यहाँ पे फिर से 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3। 3 चैन लेने के बाद फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहां से हमने इसको ज्वाइंट किया था उसी वहीं पर ही हम दूसरा डबल क्रोशिया लेंगे। हमें हर एक चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। अब नेक्स्ट वाली चैन में डबल क्रोशिया लेंगे, एक ही चैन में 2 डबल क्रोशिया लेंगे और इस धागे को हम इस तरह बीच में बुनते हुए चलेंगे। तो वापिस से इसी चैन में से ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है। हर एक चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम दूसरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। पहले राउंड में हमारे 14 फंदे थे, दूसरे वाले में 14 के डबल हो जाएंगे, 14 के डबल 28 हो जाएंगे। ये देखिए, मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने पूरा कंप्लीट हर एक चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लिया दूसरे वाले को। अब पहले जहाँ हमने 3 चैन ली थी उसी में से ही नीचे से हम 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, अब हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे यहाँ से इस तरह से। अब हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद इसी में हॉल में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इन दोनों के 3 चैन जो थी उसमें इन दोनों के बीच में हम 1/2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर वापस से 1/2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम 3 1/2 डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाएंगे। अब इन सबको 3 1/2 डबल क्रोशिया के साथ बुन देंगे इस तरह से। अब 1 चैन लेंगे, देखिए, अब नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए, हम डबल क्रोशिया बना दिया। अब इससे अगले वाले में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चैन लेंगे। फिर जैसे हमने पहले 3 1/2 डबल क्रोशिया बनाए थे इस तरह से, यहाँ पे हम 3 1/2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इन 3 1/2 डबल क्रोशियों के एक साथ बुनेंगे इस तरह से। फिर 1 चैन लेंगे। फिर अगली वाली चैन में नीचे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 चैन लेंगे। फिर से 3 1/2 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे हम। फिर 1 चैन लेंगे। इसी तरह से हम इस पूरी तीसरी लाइन को कंप्लीट करेंगे, करके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने इस पूरी राउंड को कंप्लीट कर लिया इसी तरह से। अब हम ये लास्ट वाला बचा है इसको भी इसी तरह से कर लेते हैं। देखिए, अब हम इसको इसमें ज्वाइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। फिर हम 3 चैन लेंगे।
ये देखिए तीन चेन ले लिए। अब हम नेक्स्ट अगले वाले में इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। हम यहाँ पे दो डबल क्रोशे बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाले चेन में भी हम दो एक डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पे। हमने दो चेन में दो डबल क्रोशे बना लिया। अब हम तीसरे वाले चेन में एक ही चेन में दो डबल क्रोशे बनाएंगे। सेम चेन में दो डबल क्रोशे बनाएंगे, एक बना दिया। अब दूसरा डबल क्रोशा भी हम इसी चेन में बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर इससे नेक्स्ट वाले चेन में भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाली चेन में एक ही चेन में से दो डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए अब इस वाली में एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। हम इस चौथे वाले राउंड को इसी तरह से पूरा कंप्लीट बनाएंगे। ये देखिए हमने कंप्लीट बना लिया। लास्ट वाले में जहां हमने चेन ली थी, दो सिंगल क्रोशे, फिर तीसरी वाली चेन में दो डबल क्रोशे एक ही चेन में, इसी तरह से कंप्लीट किया है। अब हमें लास्ट वाले में जहां हमने तीन चेन ली थी उसमें उसी होल में से एक डबल क्रोशे बनाएंगे हम सेम होल में से। देखिए इस तरह से अब हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर इसे अटैच करने के बाद हम तीन चेन लेंगे, एक दो तीन। ये तीन चेन को एक डबल क्रोशे गिनेंगे। इसके अलावा तीन डबल क्रोशे और हम बनाएंगे। हर एक चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए दो हो गए, इसको एक गिनेंगे। इसके अलावा दो और डबल क्रोशे बनाएंगे हम, एक दो तीन, ये चार। टोटल चार डबल क्रोशे हो गए। अब हम एक चेन लेकर के जैसे हमने पहले बनाए थे दो के मतलब दो डबल क्रोशे के बीच में पहले वाले को, इसमें से तीन हाफ डबल क्रोशे हमने बनाए थे, सेम उसी तरह से हम यहाँ पे तीन हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए तीन हाफ डबल क्रोशे हमने बना दिए। अब हम यहाँ पे एक चैन नहीं लेंगे, डायरेक्ट इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से हम चार डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशे बना दिए। अब एक चैन लेकर के फिर से जैसे हमने पहले बुना था, यहाँ पे तीन हाफ डबल क्रोशे बुने थे उसी तरह से बनाएंगे और इन तीनों हाफ डबल क्रोशे को एक साथ बुन देंगे। फिर से अगली चैन में डबल क्रोशे बनाएंगे, चार डबल क्रोशे बनाएंगे हम यहाँ। इसी तरह से हम पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए आइडियाज़, नए नए डिज़ाइन लेके आगे आती रहती हूँ। एक चैन ले करके फिर से तीन डबल हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इनको एक साथ बुन देंगे, फिर से चार डबल क्रोशे बनाएंगे। सेम इसी तरह से ये पूरी लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। करके मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने पांचवी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको देखिए, अब हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, जोड़ देंगे इसको इस तरह से। ये देखिए फिर से हम तीन चेन लेंगे, एक दो तीन। तीन चेन लेने के बाद हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए हम छह डबल क्रोशे बनाएंगे, दो तीन। जो हमने एक चेन ली थी उसको हम छोड़ देंगे, अगले वाली चेन में हम बनाएंगे इसको छोड़ करके अगले वाले में। चार हो गए, एक दो तीन चार पांच, ये छह। ये टोटल छह डबल क्रोशे हो गए। चैन को नहीं गिनेंगे, एक दो तीन चार पांच छह। अब हम छठे वाले में सेम होल में से एक डबल क्रोशे और बनाएंगे।
आपने देखी इस तरह से। फिर हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे और छठे वाले में 2 डबल क्रोशे एक ही चैन में से बनाएंगे। इसी तरह से हम इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। एक, दो, जो चैन ली थी उसको हम हर बार छोड़ देंगे, उसे अगले वाले चैन जो आएगी उसी में हम इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, हमें हर बार छठे वाले डबल क्रोशिया में सेम होल में से एक डबल क्रोशिया और बनाना है। ये देखिए, 2 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब छठे वाले में सेम होल में से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, इसी तरह से बनाते हुए हम इस पूरी लाइन को कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए, हमने ये पूरा बना लिया है। अब हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। इसी प्रोसेस से हमने ये एक पल्लू हो गया, एक पल्लू और बनाकर रखा हुआ था इसी तरह से। ये देखिए, ये हमने पहले बना लिया था। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। इसमें मैंने धागा छोड़ा था सिलने के लिए। अब इसको उल्टा करेंगे, दूसरे वाले पल्लू को इसके ऊपर सीधा रखेंगे और जहां हमने दोनों धागे छोड़े थे वहीं से हम क्रोशे से सिलेंगे। हम इसको सुई से नहीं सिलेंगे, क्रोशे से बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई हो जाती है। इसको खोलेंगे, धागे को पीछे ले जाते हुए हम इसमें क्रोशे डालेंगे इस तरह से, और जो हमने धागा छोड़ा था उसको पीछे ले जाते हुए हम सिलाई कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम जो हमारे सामने वाला पल्ला है उसका पीछे वाला एक फंदा लेंगे और पिछले वाले फंदे का अगले वाला फंदा लेंगे। ये देखिए, इन दोनों फंदों को इस तरह से उठाते हुए हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। स्लिप स्टिच से सिलते हुए हम जाएंगे, जैसे हम स्लिप स्टिच लगाते हैं सेम उसी तरह से हम इसको पूरा सिलेंगे। देखिए, हर बार हम इन्हीं दो फंदों को उठाएंगे इस तरह से। इसी तरह से सिलते हुए हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ बीच में 8 या 9 इंच के लगभग हम छोड़ देंगे। मैं यहाँ इसमें 8 इंच छोड़ूंगी। आप चाहे तो ज्यादा छोड़ सकते हैं, कम भी छोड़ सकते हैं। यहाँ हम चैन लगाएंगे यहाँ तक। देखिए, कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। अब हम 1 इंच टेप की मदद से इसको नाप लेंगे कि यहाँ पे कितना स्पेस बचा हुआ है चैन के लिए जो हम छोड़ेंगे। ये देखिए, देखिए ये 8 इंच है। 8 इंच से थोड़ा कम है तो मैं 2-3 फंदे और खोल लूंगी। 1, 2, 3। ये देखिए, आप ज्यादा भी रख सकते हैं, मैं 8 ही रखूंगी। ये देखिए कितनी सफाई से सिल जाता है। इसमें उल्टा सीधा कुछ नहीं होता है, हम किसी भी तरफ से यूज कर सकते हैं। ये हमने बैक साइड है, जैसे हमने सिला था उसका बैक साइड, ये राइट साइड है। अब हम इसको काट देंगे यहाँ से। काट के हम इस धागे को इसमें से निकाल करके अंदर की तरफ खींच देंगे। देखिए इस तरह से टाइट से करेंगे और इसको अंदर छोड़ देंगे। अब ये जो दूसरी तरफ ये धागा था, इससे हम यहाँ पे इस बैग की डोरी बनाएंगे। मैं यहाँ पे सादा डोरी बनाऊंगी, आप डिजाइनर डोरी भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। अब पिछले वाले पल्ले में से एक धागा उठाएंगे हम। ये देखिए, यहाँ से इसके बराबर में से एक धागा उठा लेंगे। ये देखिए इस तरह से चोटी जैसी बन के जो दिखती है उसी को हम इस तरह से उठा लेंगे और इस तरह बुनेंगे। अब हम अपने सामने वाले पल्ले में से एक उठाएंगे, एक फंदा। ये देखिए, ताकि लेवल में आ जाए, बराबर इधर उधर खींचा हुआ ना दिखे, सेंटर में ही आ जाए इस तरह से। अब हम इन दोनों को एक साथ बुनेंगे। मैं सादा डोरी बना रही हूँ, आप डिजाइनर बना सकते हैं। इस तरह से बनाती हूँ मैं, ये पूरा कंप्लीट करूंगी। मैं ये डोरी 40 इंच रखूंगी, आप छोटी या बड़ी रख सकते हैं। जितनी बड़ी आपको चाहिए आप उतनी बड़ी रख सकते हैं। देखिए, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है।
अब हम इंच टेप की मदद से इसको नापेंगे। इस तरह से हम नापेंगे इसको। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। डोरी बना करके शोल्डर पर टांग कर आप देख सकते हैं। ज्यादा नीचे हो तो छोटा कर देना, अगर छोटी हो तो बड़ा कर देना। ये देखिए, ये मेरा पूरा 40 इंच आया। आप छोटा बड़ा रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो जिधर साइड हमने ये धागा था इधर साइड ला करके इसको सीधा पकड़ते हुए इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे। यहाँ से ये धागा काट देंगे। आप सुई से भी सिल सकते हैं इसको। मेरे पास, मैं क्रोशिया से ही इसको सिलूंगी। ये देखिए, अब यहाँ से दो आगे पिछले पल्लों में से उठा करके इस तरह से ये देखिए बुन लेंगे। इस तरह से एक दो पंदे हम इस तरह से बुन देंगे। इस धागे को खींच के अंदर साइड, इन दोनों धागों को अंदर करेंगे इस तरह से, इसको भी और उसको, दोनों धागों को अंदर करेंगे और अंदर की साइड इसमें गांठ लगाते हुए पक्का कर देंगे। आपके पास सुई हो तो आप सुई से भी सिल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अब हम यहाँ पे इस तरह टाइट खींचते हुए गांठ लगा देंगे। गांठ लगा के जो फालतू धागा बचेगा हम उसको काट देंगे अंदर साइड छुपाते हुए। इस तरह से पक्का कर देंगे, खुले नहीं। अंदर का स्टिच बहुत ही प्यारा बैग बनकर तैयार होता है। यहाँ पे मैं चैन लगाऊंगी, चैन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर लगाकर दिखाऊंगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।